आज हम बनाते हैं सिंपल सी तोरी की सब्जी जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार। इसे आप सिंपल मसालों से बना के तैयार कर सकते हैं बिना पिसे, और इसे कोई भी एक बार में ही बना के टेस्टी सा परफेक्ट सब्जी बना के तैयार कर सकता है। नमस्ते दोस्तों, तो आज मैं लेके आई हूँ एक मज़ेदार सी रेसिपी। तो चलते हैं रेसिपी को बनाने के लिए। तो हमने यहाँ पे एकदम ताज़ी ताज़ी 500 ग्राम तोरी ले लिया है। अब हम इसका ऊपर और नीचे का काट लेंगे, उसके बाद इसे हम अच्छी तरह से छील के तैयार करेंगे। तो दोस्तों, ताज़ी तोरी लेने से इसका सब्जी बहुत ही बढ़िया बनता है। तो आप जब भी बनाएं तो ताज़ी तोरी से ही बनाएं। तो यहाँ पे हमें इसी तरह से सारी तोरी को छील के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सारी तोरी को छील के तैयार कर लिया है। अब हम इसे गोल गोल शेप में काट लेंगे। आप चाहे तो इसे किसी भी शेप में काट सकते हो। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से काट के तैयार किया है। इसे हमने ज़्यादा मोटा नहीं रखा है, और यहाँ पे हमने सारे तोरी को काट के तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पे एक बाउल लेंगे और उसमें मसाला तैयार करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, और आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और एक छोटा चम्मच हमने सब्जी मसाला ले लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे घोल लेंगे। तो इसे हमें एकदम अच्छी तरह से घोल के तैयार करना है। तो हमने यहाँ पे इसे मसाला को घोल के तैयार कर लिया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। सरसों तेल से दोस्तों ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप जब भी बनाएं तोरी की सब्जी तो सरसों तेल ही डालें। अब हम इसमें एक छोटा चम्मच साबुत जीरा डालेंगे और थोड़ा सा हींग डालेंगे। जब जीरा क्रैकल हो जाए तो उसके बाद हम इसमें कुटा हुआ अदरक लहसुन मिर्च का दरदरा सा पेस्ट डालेंगे, और इसका कच्चापन ख़त्म होने तक इसे हम भून लेंगे। अब हमने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज को बारीक काट के ले लिया है। अब हम इसे पिंक होने तक भूनेंगे। तो जब प्याज सॉफ्ट हो जाए उसके बाद हम यहाँ पे 1 टेबलस्पून बेसन डालेंगे। बेसन डालने से दोस्तों ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो तोरी की सब्जी जब भी बनाएं तो इसमें आप 1 टेबलस्पून बेसन डाल देंगे। अब हम इसमें एक बड़ा साइज का टमाटर को पीस के डालेंगे। तो टमाटर को हम प्याज में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। टमाटर डालने के बाद इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, और नमक को मसालों में अच्छी तरह से मिक्स करके 1 मिनट तक भूनेंगे। 1 मिनट के बाद जो हमने मसाला तैयार किया था उसे डाल देंगे। तो उसी कटोरी में थोड़ा सा पानी डाल के हम उस मसाले को भी डाल देंगे, और एक बार इसे हम अच्छी तरह से चला लेंगे। तो चलाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने 2 से 3 चम्मच पानी डाल दिया है। अब हम मसाला को फिर से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसे हम ढक्कन से ढक के 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे, तेल छोड़ने तक। तो यहाँ पे मसाला पक चुका है, तो इसे हम एक बार फिर से चला लेंगे। चलाने के बाद इसमें हम जो तोरी काट के रखे हैं उसे डाल देंगे, और तोरी को भी मसालों में मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे, और पानी डालने के बाद इसे हम फिर से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देंगे और एक बार फिर से चला लेंगे। उसके बाद इसे हम 4 से 5 मिनट तक ढक के पका लेंगे। तो इसे हमने 2 से 3 मिनट तक ढक के पका लिया है। अब हम इसमें मैगी मसाला डालेंगे। मैगी मसाला से ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैगी मसाला को भी इसमें हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढक के 3 से 4 मिनट तक फिर से पका लेंगे। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो गया, और ये सब्जी अच्छी तरह से पक गई है। अब हम लास्ट में बारीक कटी हुई हरी धनिया पत्ती से गार्निश कर लेंगे, और एक बार फिर से इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे एक बाउल में सर्व कर लेंगे। तो यहाँ पे ये टेस्टी सी सब्जी बनके तैयार हो गई है। इसे मैंने बिना मसाला पीस के बनाया है, और सिंपल मसाला से बनके ये तैयार हो जाता है। इसे बच्चों से बड़े सभी चाव के साथ खाएंगे। इतना टेस्टी ये सब्जी, पराठा पूड़ी चावल किसी के भी साथ आप इसे खा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।